दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा खुलकर विरोध करने पर जदयू के विधायक समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा कि जो कार्यकर्ता है जिसे लग रहा है कि एमएलसी चुनाव उम्मीदवार सही नहीं दिया गया है, इसलिए कार्यकर्ता भी आक्रोश है। जो धन बल पर उम्मीदवार दिया गया है इसलिए लालटेन फोड़ने का काम किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा सीट से एनडीए के उम्मीदवार की जीत पहले से थी और इस बार भी एनडीए को जिताने में हम लोग लगे हुए हैं और जीत निश्चित होगी। फूट रहा है सर, क्या कहना चाहते हैं? लालटेन फूट रहा है तो पहले से ही फूटा हुआ है। अब उसमें कुछ लोग बागी हैं जो नए ढंग से फोड़ रहे हैं, और जो उम्मीदवार दिया गया है एमएलसी का वो हम लोग समझते हैं कि वो किसी दल से, चाहे वो जिस दल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उस दल का भी कोई कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। वो छोटा मोटा व्यवसायी है और जो आरजेडी का परंपरा है कि पैसा लेकर के सिंबल देना या घोषणा करना, तो उस आधार पर जो आरजेडी के भी पुराने कार्यकर्ता हैं, वफादार कार्यकर्ता है, जिसको लग रहा है कि ये पैसा लेकर के उम्मीदवार उतारा गया, तो उसका खिलाफ कर रहे हैं और हम लोग उसके तरफ हम लोग नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में पंचायत में चुनाव जीते हैं, सभी लोग एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित है, और यहाँ से पहले से भी हमारा एनडीए के उम्मीदवार ही जीते थे, इसलिए इस बार भी हम लोग चुनाव को। धन्यवाद, धन्यवाद सर। भौतिकी के द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा 14 से, एलएनएमयू के पीजी भौतिकी विभाग में नामांकित द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2020 से 22 और चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2019 से 21 के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा क्रमशः 14 और 17 फरवरी से प्रारंभ होगी। परीक्षा भौतिकी विभाग में आयोजित की जाएगी। स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर 2020 से 22 की परीक्षा 14 फरवरी से 15 फरवरी और चतुर्थ सेमेस्टर 2019 से 21 की परीक्षा 17 फरवरी से 18 फरवरी तक निर्धारित की गई है। लता मंगेशकर के निधन के बाद दरभंगा में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के दरभंगा के लोगों, जो फिल्मी दुनिया के शौकीन लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि लता मंगेशकर इस देश की आन बान शान थी। इसके निधन से फिल्म जगत के साथ साथ सभी संगीत प्रेमी को आघात पहुंचा है और देश का नुकसान बताया है। दरभंगा में भी उनके चाहने वालों ने दुख प्रकट किया है और लता मंगेशकर के निधन को देश की क्षति बताया है। लता मंगेशकर का जन्म गोमांत के मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और उनका जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1929 ईस्वी को और 6 फरवरी को उन्होंने स्वर्गवास कर गए। अब उन्होंने कई सारे भाषाओं में संगीत का प्रयोग किया है। लगभग 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में लता मंगेशकर जी गीत गा चुकी है और उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है कुछ ही दिन पहले, और एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। उनका जाना संगीत के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। उनका एक दो गाना थोड़ा बतलाते हैं। गाना तो हम गाते नहीं। कहाँ? रविंद्र कुमार सुमन। लता जी बहुत अच्छी गायिका थी, वो भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। उनका जानना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका जगह अब इस देश में कोई नहीं ले सकता। एक तो एक बहुत अच्छी गायक थी, मातृभाषा गायक थी, उनके जैसा गायक आप कभी होने, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनका निधन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके बारे में क्या बोले, को हम सुन के बहुत डिप्रेशन में चले गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नाम हुआ आपका? मोहम्मद हैदर अली। बहुत अच्छी गायिका, जो भी गाना आती थी पूरा हिट था। उनका जो है बॉलीवुड में उनका गाना सुनने के लिए हम लोग जो है एक एक घंटा जो है वेट कर देते हैं। हमसे नहीं होगा। रेडियो पे आप लोग उनका गाना सुनने के लिए आधा एक घंटा पहले से रेडियो खोल के रखते थे? हाँ हाँ। गाना बहुत, उनका गाना कैसा होता था? बहुत अच्छा होता था गाना। उनका गाना सुनने के लिए हम लोग जो एक घंटा दो घंटा वेट करते थे, रेडियो पे भी आता था गाना। अब आज उनका निधन हो गया, इस पर क्या कहें?
करना बहुत दुखी की बात है के लिए, और आशा करते हैं कि उनका आत्मा की शांति। क्या नाम हुआ? संतोष यादव। मिथिलांचल में मोटरसाइकिल एवं स्कूटी की दुनिया में धमाल। विगत 10 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर विक्की टीवीएस मोटरसाइकिल भट्टियारी सराय दुनार दरभंगा एवं हायाघाट। India's first and only pure platform FI technology from TVS. Eco Thrust FI, an ETFI. जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Race tuned FI, an ERTFI. जो दे बेटर रियल थ्रॉटल स्पीड। हम बनाए जो आपका दिल चाहे। आप क्या सोच रहे हैं, जल्द आए जल्द पाए अपना पसंदीदा वाहन। विक्की टीवीएस दरभंगा के द्वारा विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। प्रत्येक वाहन के खरीद पर सुनिश्चित उपहार, कुशल इंजीनियरों के द्वारा सर्विस की उत्तम व्यवस्था, पहले से बेहतर 15% ज्यादा माइलेज के साथ, लोन पर भी 1 घंटे में गाड़ी उपलब्ध। आए हाथों हाथ अपने पसंदीदा वाहन को अपने घर ले जाएं। ग्राहकों की सुविधा हेतु हमारा पता है विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। किसान ऑटो केयर दोनार चौक दरभंगा पेट्रोल पंप के सामने। हमारे यहाँ हीरो, बजाज, होंडा, टीवीएस गाड़ी का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है और ओरिजिनल पार्ट्स भी मिलता है। विशेष कर स्कूटी गाड़ी के लिए स्पेशल कारीगर उपलब्ध है। हमारे यहाँ सभी दो पहिया वाहनों का ओरिजिनल पार्ट्स मिलता है। यहाँ सभी गाड़ी का काम शौक कुशल कारीगर द्वारा मरम्मत किया जाता है। खास करके स्कूटी गाड़ी की विशेष कारीगर द्वारा मरम्मत की जाती है। दिव्यांगता की रोकथाम, पहचान और पुनर्वास की व्यवस्था को समर्पित राष्ट्रीय संस्था सक्षम के उत्तर बिहार प्रांत के तत्वाधान में कुष्ठ जागरण पखवाड़ा 30 जनवरी से 13 फरवरी के अवसर पर उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष चंद्रभूषण पाठक की अध्यक्षता में कुष्ठ रोग कारण, लक्षण और उपचार विषयक ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें 10 जिलों 22 सक्षम प्रतिनिधियों सहित 50 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। अध्यक्षीय संबोधन में चंद्रभूषण पाठक ने कहा कि समुचित चिकित्सा और जन जागरूकता के माध्यम से कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। संयोजक का दायित्व है हम पर कुष्ठ निवारण पखवाड़ा चल रहा है अभी 30 तारीख से 13 फरवरी तक। इसमें श्री ब्रजकिशोर जी अध्यक्ष समर्थन काफ़ी विस्तार से चर्चा की, उस पर हम लोग खोज और निवारण कारण उस पर जानकारी प्राप्त किए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दरभंगा के लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 में बीती रात चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों ने जिस जगह चोरी की है वह बालाजी एजेंसी नाम की गोदाम थी, जहां से चोरों ने भारी मात्रा में दवाई, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि सामान पर हाथ साफ किया। वहीं बालाजी एजेंसी के प्रोप्राइटर ने बताया कि करीब 2 से 2.5 करोड़ का सामान चोरी कर ले गया है और यह जगह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुझे इस चीज की जानकारी मिली, मैंने वहां जाकर देखा तो उस गोडाउन में शराब की खाली बोतलें, बिस्लेरी, पानी की बोतल और 4-5 गिलास मिला। चोर ने दीवार तोड़कर पूरे गोडाउन का सामान ले गया। इसी उपरांत आज विश्वविद्यालय थाना पहुंच FIR दर्ज करवाया है ताकि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो सके। सर, लक्ष्मी सागर में मेरा गोडाउन है, उसमें चोरी हो गई है रात को, ठीक है, जिसमें दवा का आइटम सब रहता था, विदाउट लग गया था और एबॉर्ट का, इसीलिए हम आवेदन के लिए आए थे। अब वो तो नहीं मालूम गेट और ताला, ये दीवार टूटा हुआ है, गेट और दीवार टूटा हुआ है, उसी में देख सारा माल गायब है, सारा माल ख़त्म है, पिछले कंप्यूटर वगैरह सब ले गए हैं। सीसीटीवी तो हो गई, सीसीटीवी भी ले गया। कितने का सामान चोरी था? लगभग 2-2.5 करोड़ का। क्या सब था उसमें आपका? उसमें डिटॉल का सामान आइटम है, मूव क्रीम, एबॉट हेल्थ केयर, पीडियासी और सी मिला के वगैरह, ये सब था। आपके गोदाम में कितने लोग काम करते हैं? लगभग 8-9 लोग। क्या उन पर कोई शक है आपको? नहीं नहीं, उन पर कोई। क्या लगता है आपको? क्या लग, कुछ बता नहीं सकते। अरे कितने दिनों से है वहाँ पर? लगभग तो 5-7 साल से।
कितने दिनों से व्यापार करते हैं? मैं तो 20 साल उसका। सुरक्षा के नाम पर वहाँ कुछ लगाए हुए थे आप? कैमरा लगाए थे। कैमरा तो ले गया। कैमरा ले गया। किस चीज़ का गोदाम था आपको? दवाई। दवाई। क्या नाम है आपका? एन के हॉबी। कहाँ घर हुआ? लक्ष्मी सागर। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 16। लहरियासराय स्टेशन का एडीआरएम ने लिया जायजा। समस्तीपुर रेल मंडल के एडीआरएम जेकेसी ने शनिवार को लहरियासराय रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर में घूम घूमकर साफ सफाई का मुआयना किया। इसके बाद नए प्रतीक्षालय और ऑपरेशन भवन में पानी की सप्लाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अविलंब पानी की सप्लाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। स्टेशन पर निरीक्षण को लेकर अफरा तफरी का माहौल रहा। मौके पर स्टेशन मास्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के तत्वाधान में ताज यूथ क्लब द्वारा दरभंगा सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम और डिजिटल अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व NYV इशरत परवीन के साथ ताज यूथ क्लब के मेंबर नफीस एहसान मोहम्मद गुलरेज इत्यादि लोग के द्वारा किया गया। सही उपयोग कर सकती हैं हमारा जो ये जो संस्था है नेहरू युवा केंद्र, वो लोगों को जो है खास करके युवाओं को वो जागरूक करती है, युवाओं को अपने से जोड़ती है और युवाओं को एक मार्गदर्शन देती है। इसके साथ ही ताकि युवा जो है ना वो एक फील्ड में आए और वो अधिक से अधिक काम करें। हमारे जो नेहरू युवा केंद्र है इसके जरिए खेल भी है, खेल कूद भी होता है और यहाँ से जो सिलेक्शन होता है लोगों का तो वो नेशनल स्तर पर भी जाते हैं। कई बार लोग नेशनल स्तर पर गए भी, इस बार भी गए हैं। जो नेशनल यूथ फेस्टिवल होती है, इस बार नेशनल यूथ फेस्टिवल पुदुचेरी में हुआ था, वहाँ भी लोग यहाँ से चयन करके गए। जो मतलब हर तरह में जो फील्ड देते हैं, जो नेता के फील्ड में जाना चाहते हैं लीडरशिप में वो लीडरशिप का देते हैं उन्हें, या फिर जो खेल के फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें वो देते हैं। मतलब हर एक फील्ड में वो ये एक अच्छा मुकाम देते हैं सभी को। आम के पेड़ों में मंजर नजर आने लगा है। इस बार समय से पहले आम के पेड़ों में मंजर नजर आने से किसान खुश भी है और डर भी बना हुआ है। अगर इस बार तूफान से मंजर को नुकसान नहीं पहुंचा तो ज्यादा संख्या में आम होने की संभावना है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल पहले पेड़ों में मंजर आ गया है, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। समय से पहले यानी कि पहले तो अगला साल नहीं आया था, लेकिन अभी समय से पहले आ गया है। क्योंकि पहले जो है ना आता था मंजर के बाद पानी झड़ जाता था, लेकिन इस बार देखिए अब डर भी है कि मजर कहूँ आंधी तूफान के कारण गिर भी न जाए, मजर झड़ भी न जाए। सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां आज सरकारी आदेश पर विसर्जन किया जा रहा है, वहीं लोग आज विसर्जन करने के लिए मां सरस्वती भगवान की प्रतिमा को वाहन पर बैठाकर नदी और तालाब में विसर्जन के लिए लोग ले जा रहे हैं, जहां पूजा पाठ की समाप्ति आज की गई है। बता दें कि सार्वजनिक स्थलों पर सरस्वती पूजा मनाने पर रोक और DJ बजाने पर भी रोक लगा दी गई थी। कोविड का पालन करते हुए पूजा पाठ करने का आदेश जारी किया गया था और आज विसर्जन करने का आदेश जिला प्रशासन ने दिया है। बहुवारा नवयुवक क्लब समिति के तरफ से 1986 से लगातार बहुवारा पासवान टोला में सरस्वती पूजा का किया जाता है। इस पूजा में बहुवारा के हिंदू मुस्लिम के सहयोग से साथ ही पूजा मनाया जाता है। इस बार कोरोना को देखते हुए संगम रखते हुए इस बार पूजा भी हर साल के तरह इस बार भी पूजा किया जा रहा है। इस समाज के लोग मिलजुल करके हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर के विसर्जन के लिए कमला नदी में जाते हैं। शाम में 7 बजे के साथ जाते हैं, जहां पर कोई भाई सब भाईचारा के रूप में मनाते हैं, पूजा करते हैं, रंग अबीर के साथ विसर्जन करते हैं। जो आज शाम 4 बजे बहुवारा नवयुवक क्लब का समिति का पूजा विसर्जन 4 बजे होने जा रहा है। विशेष क्या कुछ है? विशेष में समाज के तरह हर तबके लोग आते हैं, महिला सोहर गा करके माँ सरस्वती की विसर्जन करती हैं, विदा करती हैं।
और उसको आंचल भर करके ही विदा करती है, जो हिंदू रीति रिवाज के साथ ही विसर्जन करते हैं। क्या नाम हुआ? मैं नाम हूँ उमेश पासवान।